नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भेष बदल कर आएंगी आपके घर एक देवी माँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों के अंदर आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत आप सभी को मिलने वाले हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि इन संकेतों को आप भूल कर भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी का जीवन में उम्मीद की नई किरण जागने वाली है। आप सभी के जीवनकाल में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसी में अगर आप अपने ही हाथों से कोई गलती कर देंगे, जाने अनजाने में भी आपके हाथों से कोई चूक हो जाएंगी, तो दोस्तों आपके द्वार से आई धन की देवी माता लक्ष्मी चली जाएंगी और दोस्तों आप सभी बहुत ही निराश होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में या धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण संकेत मिलने वाले हैं, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आप सभी को आज के इस वीडियो में बताएंगे कौन से आपको महा उपाय को करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाए, उनका वास हो जाए। जी हाँ दोस्तों, शादी शाह दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी शुक्र ग्रह जो आपके राशि में मौजूद होने वाली है, आपके लाभ भाव में जो शुक्र ग्रह आने वाले हैं, इनसे दोस्तों आप सभी को कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगी आपके प्रत्येक क्षेत्र में, दोस्तों इन सभी के बारे में हम जानेंगे पूरे ही विस्तार से। तो दोस्तों आज के यह वीडियो बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो जो भी व्यक्ति मिस कर देगा, जो भी व्यक्ति आज के इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेगा, स्किप करेगा, दोस्तों वह जीवन में बहुत ही पछताएगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह बात ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णित है कि ईश्वर जब भी अपने भक्तों को मौका देते हैं तो दोस्तों ईश्वर उनको सौभाग्य देते हैं। जी दोस्तों, क्योंकि उनके वह अच्छे कर्मों का फल होता है। अगर वह व्यक्ति उस सौभाग्य को लेने से इनकार करता है, उन्हें ठुकरा देता है या फिर उन्हें इग्नोर कर देता है, तो दोस्तों वह उनका गलती होता है। जी हाँ दोस्तों, वह ईश्वर का अपमान होता है। जी हाँ दोस्तों, और वह सौभाग्य नहीं लेता है तो उनके जीवनकाल में सिर्फ दुर्भाग्य ही रह जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में इसमें आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करना है, वरना माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, माता लक्ष्मी कैसे आपसे प्रसन्न होंगी, इनके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यशमय ग्रहों की जो स्थिति बनने वाली है, यशमय शुक्र और जो गुरु होगा दोस्तों, वे आपके लिए लाभ की स्थिति में है। गुरु पहले से ही आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति दिखा रही थी, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ यशमय शुक्र की स्थिति आपकी राशि में मजबूत होने के कारण, शुक्र की स्थिति यश में एक साथ आपके लाभ भाव में आने के कारण दोस्तों शुक्र और शनि का भी प्रभाव आप सभी के कुंडली पर पड़ने वाले हैं, जिनके कारण दोस्तों यश में 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों वे 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी कौन कौन सी है, आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और दोस्तों कौन कौन से बड़े संकेत आप सभी को मिलने वाले हैं। दोस्तों यश में आपको अपने जीवनकाल में सबसे पहले आपको बता दें कि सुबह उठकर आप नहा धोकर दोस्तों यश में घर की साफ सफाई करें और अपने मंदिर में जाकर दोस्तों माता लक्ष्मी की आप पूजा अर्चना करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपको अपने पर गंगा जल का भी छिड़काव करना है और दोस्तों आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। माता लक्ष्मी के आगमन के लिए उनसे आपको प्रार्थना करना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात आप सभी को बता दें कि जब भी आप घर में ये पूजा करते हैं तो दोस्तों वश में घर में किसी भी प्रकार की हो हल्ला ना हो, बिल्कुल ही शांत माहौल होना चाहिए, इससे आप सभी का अर्जी माता लक्ष्मी स्वीकार करेंगी। आप सभी के जीवन काल में जो भी आपके दुविधाएँ हैं, जो भी आपकी बात हैं दोस्तों, वे सभी माता लक्ष्मी सुन लेंगी। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से आपको अपने जीवन काल में स्त्रियों का सम्मान करना बढ़ा देना है।
दोस्तों अगर आप पहले से क्षमा नहीं करते थे, अगर आपने कभी स्त्रियों का अपमान किया है, तो दोस्तों ये चीज़ आपको भूल कर भी नहीं करना है। जी दोस्तों, हम बहुत सारी वीडियो में ये बात भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें भी आपको बता दें कि कल से माता लक्ष्मी का वास आप सभी के जीवनकाल में होने वाले हैं, तो दोस्तों इसका आपको ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यशमी आपको दान धर्म पर ध्यान रखना है। जी दोस्तों, जितना आपसे हो सके दोस्तों आपको गरीबों की ज़रूरतमंदों की मदद करना है। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपको 5 रुपये का सिक्का कन्याओं को देना है। जी दोस्तों, छोटे छोटे कन्याओं को, कम से कम 9 कन्याओं को आपको 5-5 रुपये का सिक्का का दान करना है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक साधु को आपको एक लाल रंग का, जी दोस्तों लाल रंग का वस्त्र साधु को देना है। दोस्तों अगर आपके पास कहीं साधु नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके नाम की अर्जी यहाँ पर हम लगा देंगे, आपके नाम की प्रार्थना कर देंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बस दोस्तों आपके लिए यही एक बहुत ही बड़ा उपकार होगा। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो दोस्तों उनके लिए यहाँ पर हम प्रार्थना कर देंगे, उनके लिए हम अर्जी लगा देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भूल कर भी दोस्तों ये शब्द आपको जो ऊपर बताया कि गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ दोस्तों यशमी आपको अपने छत पर दोस्तों पक्षियों के लिए दाने का व्यवस्था करना चाहिए, पानी का व्यवस्था करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी आपको अपने जीवनकाल में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर में मांस बनते हैं, तो दोस्तों ये सब चीज़ों का आपको सेवन भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों कल के दिन दोस्तों आप मांस मदिरा जो भी करते हैं, जिस चीज़ का भी एडिक्टेड हैं, दोस्तों उन सभी को आपको बिल्कुल ही छोड़ देना है, बिल्कुल ही आप उनको त्याग दें एक दिन के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी आपको जब भी माता लक्ष्मी का आप आरती करते हैं, तो दोस्तों लाल फूल भी आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी माता लक्ष्मी की आप पूजा अर्चना जब भी करते हैं, तो दोस्तों जब उनका प्रसाद होता है, तो दोस्तों अपने घर परिवार के साथ ही साथ दोस्तों उन प्रसाद को आप बाहर जाकर ऐसे जगह पर छिड़क दें ताकि वहाँ पर चिट्टियाँ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, और चिट्टियों का सेवन माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। जी दोस्तों, अगर चिट्टियाँ वह मिठाई खाती है, तो दोस्तों यकीन मानिए आप सभी के जीवनकाल में माता लक्ष्मी का वास होने ही वाले हैं। जी दोस्तों, और कुछ ऐसे ही शुभ संकेत भी आपको कल से मिलेंगे कि आपके घर में चिट्टियों का आना, आपके घर परिवार में किसी को दोस्तों ऐसे शंख सुनाई देना जो कि दोस्तों भक्तिमय का हो। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी और महत्वपूर्ण संकेत आप सभी को मिल सकता है कि आपको घर से बाहर जाते समय पक्षियों का आगे आ जाना। जी दोस्तों, अगर आप घर से किसी भी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर आपके सामने कोई पक्षी आ जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी आपके साथ है। जी दोस्तों, वश्य में आपको माता लक्ष्मी को नमन करना है और दोस्तों आपको अपने कार्य पर चले जाना है, अपने कार्यों में आप सभी को सफलता मिलेगा। जी दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि कल आप सभी के जीवनकाल में माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण यह संकेत मिलेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वृद्ध स्त्री का आपके सामने आ जाना या फिर आपके घर पर आ जाना, दोस्तों ये साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। जिस भी भक्त के ऊपर माता लक्ष्मी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती है, उन्हीं के जीवनकाल में वृद्ध स्त्री आती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर के पास वृद्ध स्त्री आ जाती है, जी दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी का आगमन उसी समय आपके घर में हो चुका है। और दोस्तों वह समय से आपको अपने जीवनकाल में आपने जो भी गलतियां किया है, दोस्तों उन सभी से आपको माफ़ी मांगना है। जी दोस्तों, जो चीज़ हमने आपको पहले बताया, अगर आप किसी स्त्री का पहले अपमान कर दिए हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने जीवनकाल में पश्चाताप करना है। जी दोस्तों, उनके लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा दान पुण्य करना है, जिनसे आपकी वो जो भी गलती है वह कट जाए, उनसे आपको जो है क्षमा मिल जाए। जी दोस्तों, उनके लिए आपको कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जी दोस्तों, ये आपका पश्चाताप होगा। और दोस्तों उसके लिए आप विशेष रूप से करें, ये नहीं कि माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न करने के लिए दान पुण्य करें, ये नहीं। दोस्तों आप अपनी गलती को क्षमा मांगने के लिए कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं, जिनसे माता लक्ष्मी आपको क्षमा कर दे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप शिव को बता दें कि आपको अपने जीवनकाल में माता लक्ष्मी के नाम का जाप करना है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप माता लक्ष्मी का भजन आपको अपने घर में बजाना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप शिव को बता दें कि आपको माता लक्ष्मी के लिए दोस्तों अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर एक लाल कपड़े रख दें। जी दोस्तों, अपने घर के जो आपके उत्तरी पूर्वी कोने हैं दोस्तों, जहाँ पर पूजा स्थान है, वहाँ पर
आपको एक लाल वस्त्र रख देना है। जी हाँ दोस्तों, इन शिव माता लक्ष्मी आपकी जो आगमन है, जो आपकी आगमन करने की जो विधि है दोस्तों, उनको कबूल कर लेंगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जी दोस्तों, ये सब करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आए दोस्तों, से के साथ हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवन काल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन कौन से बड़े लाभ आप सभी को मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खुशखबरी आप सभी के जीवन काल में यह होगी कि दोस्तों, कल से आप सभी के जीवन काल में धन अचानक से आने वाले हैं। जी दोस्तों, धन में अचानक से वृद्धि होने वाले हैं। चाहे दोस्तों आपका व्यापार चल सकता है, चाहे आपका रुका हुआ कारोबार चल सकता है, चाहे आपका फंसा हुआ पेशा आपको वापस मिल सकता है, या फिर दोस्तों कहीं पर अगर आप लॉटरी खेलते हैं तो दोस्तों यश में आपको लॉटरी भी मिल सकती है। लॉटरी में बड़ी जीत आपको मिलेगी, जिनसे दोस्तों अचानक से आप सभी के जीवन काल में धन की वृद्धि होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी की जो ग्रहों की स्थिति यश में है, जो आपकी राशि में मजबूत स्थिति में है, इनसे दोस्तों धन की समस्या आप सभी के जीवन काल में जड़ से समाप्त होने वाली है। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में अब धन से जुड़ी एक भी समस्याएं नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले समय आप सभी के जीवन काल में पेशों की बहुत ही बड़ी समस्या थी। पेशों को लेकर आप सभी के जीवन काल में बहुत सारे नुकसान भी आप सभी को उठाना पड़ा है, बहुत सारे कर्जे भी आप सभी के जीवन काल में आ गए हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अवश्य आपके सारे कर्जे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप सभी को लाभ के नए नए रास्ते अब मिलने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, आप कार्य करते रहें। ऐसा नहीं कि दोस्तों ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो दोस्तों आपको खुशखबरियाँ ही मिलेंगी और आपको कुछ नहीं करना है, आपको घर में बैठना है। नहीं दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके अच्छे कर्म और आपका अच्छा सद्मार्ग ही है कि यश में आपको इतनी अच्छी ग्रहों की स्थिति देखने को मिल रही है और इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिल रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इतने अच्छे मौके में ही बैठ जाएंगे तो दोस्तों फिर से आप सभी के जीवन काल में वही दशा प्रारंभ हो जाएगा जो कि दोस्तों आपके पिछले समय में थी। तो दोस्तों यश में बस आप इसका ध्यान रखना है कि भूल कर भी अपने मेहनत को कम नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों उतना ही मेहनत कीजिए। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि फल पिछले समय जैसे आपको मिल रहे थे उससे दोस्तों आपको 100 गुना में ज़्यादा फल मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों यश में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। अगर आप कार्यों में, व्यवसाय में, किसी के पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो दोस्तों यश में आपको सावधान हो जाना है कि दोस्तों उनमें आपको नुकसान हो सकता है, धोखा भी मिल सकता है। इसलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार रखें और अच्छा पार्टनरशिप बनाकर ही चलें। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि अगर आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो दोस्तों यश में अपने वाणी पर आपको संयम बनाकर रखना होगा, अपने गुस्से पर यश में आपको काबू रखना होगा, अन्यथा दोस्तों ये गुस्सा आपको बड़ा ही नुकसान दिला सकता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो भी लोग पिछले कई समय से बेरोजगार चल रहे थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको मन चाहा नौकरी मिलने वाली है। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से जो ग्रहों की स्थिति बनी है, यश में सुख और समृद्धि आप सभी के जीवन काल में आने वाली है। सुख समृद्धि नाम का भी योग आप सभी की यश में राशि में बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि दूसरा जो बड़ी खुशखबरी है वो दोस्तों आपके घर में सुख और शांति का खुशखबरी मिलेगा। जी दोस्तों, घर की स्थिति पिछले कई समय से बहुत ही ज़्यादा छिन्नी भिन्न हो गए थे, पारिवारिक रिश्ते में बहुत ज़्यादा नोकझोंक चल रही थी, बहुत सारी समस्याएं आपके अपने जीवन काल में आ रही थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप सभी को बता दें कि यश में घर का माहौल बिल्कुल ही खुशनुमा होने वाले हैं, घर परिवार का लोग आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। यश में जो ग्रहों की स्थिति है इनके अनुसार आप सभी के घर परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों यश में घर परिवार के लोग आपको सपोर्ट भी करने वाले हैं, माता पिता का सहयोग मिलेगा। यश में आपके संतान के पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है जिनसे दोस्तों आप सभी की खुशियों का एक नई ठिकाना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि तीसरा सबसे जुड़ो बड़ी और महत्वपूर्ण खुशखबरी यह है कि दोस्तों जिन लोगों के एक सपने थे कि नए संबंध में जाने के, जो दोस्तों जो लोग अच्छे पार्टनर की तलाश कर रहे थे, जिन लोगों का दोस्तों पिछले कई समय से रिलेशनशिप में आने का बहुत ही मन हो रहा था, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यश में आपका मन चाहा पार्टनरशिप आप सभी को मिल सकता है, मन चाहा संबंध आप सभी का बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे पार्टनर की आप तलाश कर रहे थे दोस्तों आप सभी का तलाश यश में पूरा होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि मन चाहा
आपका हमशफर यश में आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों यश में आपको एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा कि दोस्तों अपनी वाणी पर आपको संयम बना कर रखना होगा। जो भी बात करें, जो भी आप किसी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तो दोस्तों बिल्कुल ही नम्र व्यवहार से करें। अपने जो प्रवृत्ति है उनको दोस्तों दयालु प्रवृत्ति को ही रखना है। जी दोस्तों, अपने व्यवहार को हमेशा आपको नम्र बनाकर रखना है। इनसे दोस्तों आप सभी का जो आने वाला जो भी भविष्य है दोस्तों बिल्कुल ही आपके लिए अच्छा होगा। समय बिल्कुल ही मधुरतापूर्ण व्यतीत होगी। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों यश में चौथा जो बड़ी खुशखबरी आप सभी को मिलने वाली है वो दोस्तों आपके स्वास्थ्य को लेकर है। जी दोस्तों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यश में आपको बहुत ही बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। जी दोस्तों, जो लोग पिछले कई समय से अपने जीवनकाल में स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी परेशानियों को झेल रहे थे, जिनको कई सारी दिक्कतें थी, कई सारी बीमारियां थी, कई सारी ऐसी दिक्कतें जैसे कि पैर में दिक्कत, घुटनों में दर्द या फिर दोस्तों पेट की समस्या, बहुत सारी मानसिक थकान आप सभी को हो रही थी। लेकिन दोस्तों अब से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इनमें ग्रहों का पूरा सहयोग आप सभी को मिलेगा, जिनसे दोस्तों मानसिक थकान आप सभी का कम होगा। कारभार की जो थकान थी यश में आपके कम होने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों यश में जोड़ों का दर्द भी आप सभी का धीरे धीरे कम होगा। लेकिन दोस्तों उनके लिए आप सभी को अपने जीवनकाल में एक मेडिटेशन और योगा, दो चीज़ों को ऐड करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी दोस्तों, व्यायाम पर भी आप ध्यान रखें, इनसे दोस्तों आप सभी का जीवन बिल्कुल ही स्वस्थ भरा रहेगा। जी दोस्तों, पांचवा जो खुशखबरी आप सभी के लिए है कि दोस्तों जो लोग नए घर को खरीदने के पिछले कई समय से सोच रहे थे, नए घर को दोस्तों खरीदने के बारे में पिछले कई समय से फैसले ले रहे थे, लेकिन दोस्तों कोई ना कोई बाधाएं आ रही थी। लेकिन दोस्तों यश में घर के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। घर के लिए मौका आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। आप नए घर को ले सकते हैं। अगर आप नए वाहन की खरीदारी करना चाह रही थी तो दोस्तों यश में आपका वो सपना भी पूरा होगा। आप मकान और नए वाहन यश में खरीद सकते हैं। जी दोस्तों, छठा जो आपके लिए बड़ी खुशखबरी होगा दोस्तों, यह खुशखबरी है कि दोस्तों पिछले कई समय से आप यात्राओं के सोच रहे थे, यात्राओं के बारे में कहीं प्लान कर रहे थे, कहीं जाने के, कहीं घूमने का। तो दोस्तों यश में वो आपके लिए बहुत ही अच्छा समाचार है कि दोस्तों यश में आपको यात्राओं में लाभ मिल सकता है। जहाँ पर आप यात्राओं की सोच रहे थे दोस्तों यश में उस यात्रा पर जाने का आप सभी को मौका मिल सकता है और आप सभी का यात्रा बिल्कुल ही सफल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि यश में आपको बस उस लोगों से मिलना है जो लोग दोस्तों अनजान व्यक्ति हैं, क्योंकि दोस्तों अनजान व्यक्ति बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मीठी मीठी बातें बोलकर दोस्तों आपकी भावनाओं के साथ खेलकर आपका दोस्तों उपयोग कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों यश में आप इन बातों का ध्यान रखें, जब भी नए व्यक्तियों से मिलें तो दोस्तों सोच समझ कर ही मिलें, अच्छे व्यवहार से मिलें। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आठवां जो बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए यह है कि दोस्तों यश में आप नए उपकरणों की खरीद फरोख्त के लिए जो भी समय आपके लिए था दोस्तों वे आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप नए उपकरण खरीद सकते हैं, चाहे आपके लिए वो कोई हो सकता है दोस्तों, कोई मशीनरी सामान हो सकता है या फिर आप कोई ऐसी वस्तु हो सकता है जिनसे आपका कारोबार चले। बिजनेस के लिए आप कोई ऐसी मशीनरी चीज़ खरीदना चाहते थे तो दोस्तों यश में उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा है और ग्रहों की स्थिति सही है तो दोस्तों यश में आपको उन सभी में लाभ होगा जो आप सोच रहे हैं। जी दोस्तों, इसलिए साथ ही साथ दोस्तों इन सभी की पूर्ति के लिए आपको कौन कौन से उपायों को करना चाहिए, कौन कौन से चीज़ों को अपने ध्यान में आपको रखना चाहिए। जी दोस्तों, दोस्तों यश में आपको जो भी ईश्वर के भक्त हैं उनको दोस्तों कुछ ना कुछ सहयोग करना है। जी दोस्तों, साथ ही साथ आपको यश में धर्म के मार्ग की पालन करना है। जी दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अवश्य आप सभी को अपने जीवनकाल में माता पिता का सेवा करना शुरू कर देना है। दोस्तों अगर आप माता पिता की सेवा करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी के जीवनकाल में यही कर्म आपको ईश्वर से जुड़ता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी माता लक्ष्मी की दिव्य लीलाओं के माध्यम से आप सभी को नए रहस्यों का पता चलेगा। यशमी आपको जो भी कार्य करना है दोस्तों आप पूरी निष्ठा से उस कार्य को करें, इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यशमी अगर आप किसी के दुख को देख रहे हैं तो दोस्तों उनके दुख को देखकर बिल्कुल भी आपको नहीं भागना है, उनमें जितना आपको हो सके दोस्तों उतना आपको मदद करना है। इनसे माता लक्ष्मी बेहद ही ज़्यादा प्रसन्न होती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में भक्ति मार्ग रखना है, यानी कि दोस्तों भक्ति भाव पर पूरा यकीन करना है। अपने जीवनकाल में जो भी समय मिले उनमें से दोस्तों थोड़ा समय ईश्वर के ऊपर देना है और अपने जीवनकाल में दोस्तों अगर आप गाने सुनते हैं तो दोस्तों भजन को अवश्य ऐड करें। अपने जीवनकाल में आप भजन को सुने, इसे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में हमेशा सकारात्मक विचार रहेंगे और ईश्वर से जुड़ा आप सभी का प्रतीक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कल से आप सभी के जीवनकाल में ये सब बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है।
साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुछ और भी महत्वपूर्ण उपाय हैं जो भी वृद्ध महिलाएं हैं दोस्तों उन सभी के जीवनकाल में आपको मदद करना है। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि पहले हमने आपको बताया है कि वृद्ध महिलाएं साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। दोस्तों अगर आपके द्वार पर आती है तो दोस्तों आपको यह समझना है कि माता लक्ष्मी आपके घर में आई है, तो दोस्तों उन्हें आपको नए वस्त्र को देकर ही भेजना है अगर आती है तो। जी हाँ दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी, धन सुख समृद्धि से आप सभी का घर भर देंगी। तो दोस्तों इन उपायों को आप ज़रूर ही कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को महत्वपूर्ण लगा होगा, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर ही लाइक कीजिएगा और दोस्तों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।